Hello friends, a great welcome to my channel. I hope you have covered the previous video in which we covered the introduction, the basic plot of Le Morte d'Arthur. आज हम करेंगे chapter 1 in detail. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया और आप ही के सिलेबस का एक और वीडियो भी कवर करवाया है. रोहिंथन मिस्त्री या कोई भी वीडियो जब भी मैं कवर करवाती हूँ सभी मैं बताती हूँ कि राइटर्स के बारे में लिखिए हमेशा. तो यहाँ पर भी आप राइटर के बारे में और राइटिंग के बारे में ज़रूर लिखेंगे. बर्थ ईयर इनका अनसर्टेन है, दैट आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो टू. बहुत सारी रेंज मिलेंगी आपको. दिस इज़ क्वाइट अनसर्टेन बट डेथ ईयर इज़ कन्फर्म. बहुत पॉपुलर इंग्लिश राइटर थे और इसी राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं ले मोर्टे डॉथर के लिए. और 1485 में दिस वॉज पब्लिश्ड बाय विलियम कैक्स्टन, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था लंदन में. तो बुक वन करने वाले हैं हम आज. अथर पेंड्रेगॉन इग्रेन से कैसे मिलते हैं ये सर्कमस्टांसेस रहेंगे यहाँ पर. किंग ऑथर के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं दोनों. अथर हु इज द किंग ऑफ इंग्लैंड समॉन्स द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल टू निगोशिएट अ पीस ट्रीटी. किसी शांति प्रस्ताव के लिए बुलाते हैं ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल को और उनकी वाइफ इग्रेन भी साथ में आती हैं. एंड एज सून एज अथर सीज इग्रेन ही फॉल्स इन लव. सर यूल्फियस जो कि एक नाइट है, इनका रोल बाद में भी आएगा तो नाम याद रखिएगा. सर यूल्फियस अ नाइट अग्रीज टू सीक आउट द मैजिशियन मर्लिन टू असिस्ट हिम. कि इफ यू रियली वांट टू गेट अ होल्ड ऑन इग्रीन यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ अ मैजिशियन. और मैजिशियन मर्लिन को कंसल्ट किया जाता है. Ulfius encounters Merlin, who is dressed as a beggar, and Merlin exposes himself and promises to fulfill his desire if Arthur vows to do the same for Merlin. कि मैं Merlin कहते हैं कि मैं Arthur की हेल्प कर दूंगा लेकिन उन्हें भी बदले में मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा. Merlin asks Arthur to pledge to execute Merlin's wish, which he does. तो अथर को बोला जाता है कि तुम मेरी विश पूरी करोगे बदले में, एंड अथर अग्रीज. देन मर्लिन डिक्लेयर्स दैट इग्रेन विल हैव अ चाइल्ड द फर्स्ट नाइट अथर स्लीप्स विद हर. शी विल बी कंसीविंग वेरी सून एंड दैट ही विशेस फॉर द किड, फॉर दैट चाइल्ड टू बी ब्रॉट टू हिम टू रेज. एंड अथर अग्रीज. सो अथर को बोला जाता है कि वेन एवर शी विल कंसीव एंड द फर्स्ट चाइल्ड विल बी देयर, दैट चाइल्ड शुड बी गिवन टू मी. प्रॉब्लम यही है कि वाई विल इग्रेन स्लीप विद अथर, वाई विल शी अग्री. मर्लिन देन टेल्स अथर दैट ही विल स्लीप विद इग्रेन दैट वेरी नाइट, एज मर्लिन विल मेक अथर लुक लाइक द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल बाय मैजिक ऑफ कोर्स. सो मैजिक से अथर की अपीयरेंस ऐसी बना दी जाएगी कि इग्रेन को लगे कि इट इज हर हस्बैंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल. अथर डिस्गाइज्ड एज ड्यूक स्लीप्स विद इग्रेन एंड शी कंसीव्स अथर. अब जन्म होता है हमारे सेंट्रल कैरेक्टर का, हमारे टाइटुलर कैरेक्टर ऑथर का. दैट वेरी नाइट ओनली द नेक्स्ट डे डज शी लर्न दैट ड्यूक इज डेड एंड शी एक्चुअली स्लेप्ट विद समवन एल्स इन डिस्गाइज. अब देखते हैं आगे हमारी कहानी में क्या होता है. मर्लिन रिटर्न्स टू अथर और उनको याद दिलाते हैं कि आई डिड समथिंग फॉर यू, नाउ इट इज योर टाइम टू पे मी बैक. यू शुड नो ऑफ योर कमिटमेंट कि आपको भी मेरे लिए कुछ करना है. Merlin claims to know a decent man named Sir Ector, जिनको ऑथर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी. When the infant is born, they give him to Merlin. Merlin एक्टर को दे देते हैं वो बच्चा, and एक्टर names him ऑथर. After few years, King Arthur becomes ill. बहुत बीमार हो जाते हैं, इतने बीमार कि बोलना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. और मर्लिन उस वक्त जाकर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा बायोलॉजिकल सन नया रूलर बने इस लैंड का. एंड अथर सेज यस. बहुत ही होल हार्टेडली ही अग्रीज, सेइंग दैट विद एवरीवन अराउंड हिम हियरिंग ही विशेस दिस वर ट्रू. ऑल्दो किंग उथर नहीं जानते थे अपने बेटे के बारे में कहाँ पर हैं कैसे हैं, बट उनके फाइनल रिमार्क्स यही थे कि ही शुड बी द फ्यूचर किंग एंड ही विल बी हैप्पी. फिर भी After his death, many people fought for the position of the king. अब मर्लिन देख क्या करते हैं. मर्लिन instructs the Archbishop of Canterbury to collect all the lords of the realm in London before Christmas, so that Jesus can demonstrate who should be king through a miracle. Merlin is kind of a prophet जो कि फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और उनको पता है कि क्या होने वाला है, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो अभी वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचाने वाले हैं, आसपास के सभी लॉर्ड तक, जिससे कि एक इम्पार्शल डिसीजन हो जाएगा कि हु विल बी द नेक्स्ट किंग, एंड दैट विल बी कॉल्ड टू बी द इन दैट विल बी यू नो डेमोन्स्ट्रेटेड इन सच अ वे जिससे ऐसा लगे कि इट इज द डिक्री ऑफ द गॉड, इट इज द डिक्री ऑफ जीसस। अब हम थोड़ा थोड़ा उस स्टोरी की डिटेल की तरफ आ रहे हैं जिसका इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। तो सभी लॉर्ड्स उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर मर्लिन ने बुलाया है। आफ्टर द लॉर्ड्स अराइव एंड अटेंड चर्च, दे सी इन द चर्च यार्ड अ मासिव स्टोन विद अ स्वॉर्ड स्टक इनटू इट, और उस पर गोल्डन लेटर्स लिखे थे दैट हूएवर पुल्स द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन इज द राइटफुल किंग। काफी लॉर्ड्स ट्राई करते हैं उसको पुल करने का, लेकिन मूव भी नहीं कर पाते उस स्वॉर्ड को। उसी जगह पर सर एक्टर भी आते हैं अपने बायोलॉजिकल सन सर के साथ, और ऑथर जो उनके अडॉप्टेड सन है। एंड अ फेस्टिवल जॉस्टिंग इज टेकिंग प्लेस। फेस्टिवल जॉस्टिंग को आजकल के ओलंपिक से आप कंपेयर कर सकते हैं। देयर यूज्ड टू बी मेनी टूर्नामेंट्स एंड मेनी कॉम्पिटिटिव इवेंट्स। आज तक भी जॉस्टिंग इवेंट्स होते हैं लंदन में। तो जॉस्टिंग एरिया के पास सभी आए हैं कि रियलाइज करते हैं कि अपनी सॉर्ड घर पर ही छोड़ाएं। एंड ही आस्क आर्थर टू गो बैक एंड गेट इट, एंड आर्थर सीज कि यहाँ पर एक सॉर्ड है पत्थर में, उसी को ग्रैब कर लेते हैं। आई विल नॉट नीड टू गो बैक टू होम। नो नाइट्स आर गार्डिंग दैट सॉर्ड सिंस एवरीवन इज एट द टूर्नामेंट, एंड आर्थर इजीली पुल्स दी सॉर्ड आउट। बड़े ही आराम से उसको पुल आउट कर पाते हैं, जिसको अभी तक कोई बड़े से बड़ा लॉर्ड भी पुल आउट नहीं कर पा रहा था। एक्टर को एक तरीके की एपिफेनी होती है, वो रियलाइज करते हैं कि दिस इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ही इज सम काइंड ऑफ डिवाइन पर्सन। एक्टर देन kneels बिफोर ऑथर सेइंग दैट ही इज नॉट ऑथर्स फादर, बायोलॉजिकल फादर, एंड दैट ऑथर इज ऑफ अ हायर किनशिप। एक्टर देन टेल्स हिम द स्टोरी ऑफ मर्लिन, मर्लिन के बारे में बताते हैं। ऑथर इज सो sorry to learn that Hector is not his true father and swears to continue to be loyal to him. लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं अपने फादर के साथ, एक्टर के साथ भी लॉयल ही रहूंगा। At the Christian feast of Pentecost, many try to pull the sword out of the stone once again, but only Arthur succeed. तो दोबारा भी कोशिश की जाती है कि कोई तो एक पर्सन हो जो सॉर्ड को पुल आउट कर पाए, लेकिन तब भी सिर्फ ऑथर ही सक्सीड होते हैं। द कॉमनर्स क्राई दैट दे वांट ऑथर एज देयर किंग। सभी कॉमनर्स बड़े खुश होते हैं, गॉड का एक आदेश मानते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि जिसने ये तलवार निकाली वही किंग बनेगा। एट द लंदन कैथेड्रल ऑथर इज सॉन इन एंड क्राउंड एज किंग। इसके बाद सर के और सर यूल्फियस, इन दोनों लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी जाती हैं इन द कोर्ट। सर के हु इज द स्टेप ब्रदर ऑफ ऑथर, एंड यूल्फियस वाज एन इंपॉर्टेंट नाइट इन द कोर्ट ऑफ किंग ऑथर, द फादर ऑफ किंग ऑथर। द नैरेटर सेज दैट विद इन अ फ्यू इयर्स ऑथर विल कॉन्कर द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड मच ऑफ वेल्स टुगेदर विद हिज नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। अब हमें ऑथर यानी थॉमस मेलोरे बताते हैं कि ये जो किंग है हमारे किंग ऑथर बहुत ही जल्दी बहुत ही प्रोमिनेंट बहुत ही पॉपुलर किंग बन जाएंगे, एंड टुगेदर ही विल बी कॉन्करिंग मेनी वॉर्स। किंग ऑथर के किंग बनने से लोग ज़्यादा खुश नहीं है। स्पेसिफिकली एन अलायंस ऑफ 6 ग्रेट किंग्स जो कि काफ़ी हॉस्टाइल हो जाते हैं टुवर्ड्स ऑथर। मर्लिन आकर सबसे बात करते हैं कि ऑथर हाज रॉयल बर्थ, किंग ऑथर और इग्रेन के बेटे हैं, रॉयल हैं, इनका होली बर्थ है, एंड एज पर दी गॉडली डिक्री, एज पर दी प्रेडिक्शन, ही वाज टू बी द किंग। किंग ऑथर अपने आर्क बिशप सर के और कुछ अदर नाइट्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं अपनी इस कॉरोनेशन को, और सब किंग्स को जो कि उनको अपोज करने वाले उनको कहते हैं कि इफ़ यू विल नॉट एग्री विद माई किंगशिप I'll subdue you by force, and everyone becomes angry. Arthur retreats back to the tower, and Merlin admonishes the king that they were wrong to be angry, since they will never prevail, even though there are many of them. Merlin बाकी सभी kings को जिन्होंने oppose किया Arthur को, उनको डांटते और कहते हैं कि this is why are you not understanding? This is something which is happening as per the prediction, and you can never ever go against this current king. Then Merlin vanishes and returns to Arthur, telling him not to draw his miraculous sword अनटिल द वेरी एंड। जो सॉर्ड थी किंग के पास, एक मिराकुलस सॉर्ड, उसको बाहर निकालने से मना करते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज नीडेड वेरी मच। अब बात करते हैं बैटल ऑफ बेडिग्रेन की। देर आर मेनी ग्रेट डीड्स इन दिस बैटल बट फाइनली किंग लॉट उन 6 किंग्स में थे जिन्होंने अपोज किया। किंग लॉट, किंग नेंट्रेस, किंग ब्रेंडेगोरिस, किंग इड्रेस, किंग यूरेनस एंड किंग एग्विसेंस, ये 6 किंग्स थे जिन्होंने काफी अपोज किया किंग ऑथर की किंगशिप को। सो देर आर मेनी ग्रेट डीड्स इन दिस बैटल। और किंग लॉट जो कि काफी बड़े एनिमी हैं एट प्रेजेंट किंग ऑथर के, ब्रेक्स थ्रू द लाइन एंड अप्रोचेस ऑथर किलिंग हिज हॉर्स बीनीथ हिम। तो हॉर्स को तो मार देते हैं। ऑथर देन ड्रॉज हिज सॉर्ड एक्सकैलिबर which gives of great light to his enemies, and Arthur kills many people and is able to pursue the kings until they flee. तो सभी kings को flee करवाने में successful हो जाते हैं। ये एक ऐसी first war थी उनके लिए जिसमें वो conquer होते हैं, and rest of the kings have to withdraw. उनका साथ कौन देता है? बैन एंड बॉर्स। बैन एंड बॉर्स वर टू ऑफ ऑथर्स मेजर allies in his wars against the rebel kings at the beginning of his reign. And it was largely because of the assistance of these two people that Arthur won the Battle of Bedegraine against the first rebel alliance. तो ये बैटल जीतने के पीछे बहुत ज़्यादा हाथ रहा था बैन और बॉर्स का, जो कि काफ़ी मेजर एलाइज थे किंग ऑथर के। किंग ऑथर एक और फॉरेन इन्वेजन को क्रश करते हैं जिसको कि हिस्ट्री में बैटल ऑफ क्लेरेंस और बैटल ऑफ बेडॉन, इन दोनों नामों से जाना जाता है। अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी पोजीशन एज अ वॉरियर बहुत सिक्योर कर ली है, एंड ही गेट्स टू मूव ऑन इन हिज लाइफ बाय गेटिंग मैरिड टू अ प्रिंसेस गिनेवियर। और गिनेवियर से शादी के बाद ही उनको अपने फादर इन लॉ से राउंड टेबल मिलता है। ही देन गैदर्स हिज चीफ नाइट्स इंक्लूडिंग सम ऑफ हिज फॉर्मर एनिमीज हु नाउ जॉइंड हिम। उनकी कैपिटल कैमेलॉट में सब लोग इकट्ठे होते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं एक राउंड टेबल फेलोशिप। अब हम बात करेंगे पेंटेकोस्टल ओथ के बारे में। पेंटेकोस्टल ओथ की जब हम बात करेंगे तो एसोसिएट क्वेश्चंस को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओथ से रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर शिवेलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आपको किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पेंटेकोस्टल ओथ क्या थी, उसका एक इंग्लिश सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये आप एक बार देख लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस ओथ से रिलेटेड या फिर शिवेलरी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है। द किंग एस्टैब्लिश्ड ऑल हिज नाइट्स एंड बेस्टोड ऑन देम रिचेस एंड लैंड्स। ही चार्ज्ड देम नेवर टू कमिट आउटरेज और मर्डर, ऑलवेज टू फ्ली ट्रीजन एंड टू गिव मर्सी टू दोज हु आस्क्ड फॉर मर्सी अपॉन पेन ऑफ द forfeiture of their honor and status as a knight of King Arthur's forevermore. तो किंग ने क्या एस्टैब्लिश किया कि सभी लोग अच्छे से बिहेव करेंगे और कोई भी आउटरेज नहीं होगा, कोई भी मर्डर नहीं होगा, कोई भी देशद्रोह नहीं होगा। मर्सी विल बी गिवन टू दोज हु डिजर्व मर्सी। ही चार्ज देम ऑलवेज टू हेल्प लेडीज, डेमसेल्स, जेंटल वीमेन एंड विडोज, मतलब फीमेल्स को हेल्प करना है। नेवर टू कमिट रेप अपॉन पेन ऑफ डेथ। ऑल्सो ही कमांडेड दैट नो मैन शुड टेक अप अ बैटल इन रॉन्गफुल क्वेरल, नॉट फॉर लव, नॉट फॉर एनी वर्ल्डली गुड्स। तो आपको लड़ाई झगड़ा प्यार के लिए या फिर मटेरियलिज्म के लिए नहीं करना है, रेप्स नहीं करने, मर्डर्स नहीं करने, किसी को पेन नहीं पहुंचानी है। सो ऑल दी नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल बोथ यंग एंड ओल्ड सो टू अपहोल्ड दिस ओथ इन एवरी ईयर एट द हाई फीस्ट ऑफ पेंटेकॉस्ट, जो कि एक क्रिश्चियन हॉलीडे है। दे रिन्यूड देयर ओथ्स। तो ओथ्स का रिन्यूअल किया जाता था हर साल। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि पेंटेकोस्टल ओथ क्या थी और क्या इसको फॉलो किया जाता था बाय द पीपल ऑफ दैट एरा, और आपको क्या लगता है कि मॉर्टे डी ऑथर में कितना फॉलो किया गया पेंटेकोस्टल ओथ को इवन बाय द टाइटुलर कैरेक्टर। वो सब कुछ आप लिख पाएंगे अगर आप प्लॉट को अच्छे से समझेंगे। अब हमारी स्टोरी में 2 और कैरेक्टर्स आने वाले हैं, वन इज मॉर्गेस एंड वन इज मॉर्ड्रेड। ऑथर विल सून बी हैविंग एन एक्स्ट्रा फिजिकल रिलेशनशिप विद मॉर्गेस, जिसका आउटकम होगा मॉर्ड्रेड नाम का एक बच्चा। मॉर्ड्रेड को लेकर भी एक प्रोफेसी होगी, दैट ऑल्सो वी विल कम टू नो। किंग लॉट को अब आप जानते हैं। किंग लॉट उनके एक वॉरियर जिन्होंने रिबेल किया था। ऑथर रिटर्न्स टू कैरलियन वेयर किंग लॉट्स वाइफ मॉर्गेस सून अराइव्स। Apparently she is there to deliver a message, but in reality she just wants to spy on Arthur's court. तो इसके बाद अब क्या होता है, किंग लॉट की वाइफ आती है किंग आर्थर से मिलने के लिए और ऐसा लगता है कि वो एक मैसेज डिलीवर करने के लिए आई है, बट एक्चुअली शी इज देयर टू स्पाई. सून मॉर्गस वाज प्रेग्नेंट विद हिज चाइल्ड मॉर्ड्रेड. She stayed with Arthur for a month and then left, and Arthur did not know that Morgause was his half sister by his mother Igraine. तो एक ऐसा एपिसोड जो कि टेक प्लेस करता है आफ्टर दी ओथ. ओथ में क्या लिखा गया था, टू रिस्पेक्ट ऑल दी लेडीज. सो बाय हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आर यू रिस्पेक्टिंग योर ओन वाइफ, दैट इज अ क्वेश्चन रेज्ड. ओके, व्हाट हैपेंस फर्दर. One day king went hunting with his knights and they chased a hart deer, कह सकते हैं आप. पुराने टाइम में hart word काफी popular था. As Arthur rested at a fountain, a strange creature approached from over a hill. From its belly emerged the sound of 30 baying hounds. Hounds का एक बहुत ही large, loud sound था. King Pellinore वहाँ पर जल्दी आते हैं and explained that the creature was called the Questing Beast and that he had been fruitlessly pursuing it for over a year. तो एक नए कैरेक्टर आते हैं किंग पेलिनोर, जो कि आकर हमारे किंग ऑथर को बताते हैं कि ये क्वेस्टिंग बीस्ट है, इसके पीछे मैं बहुत टाइम से लगा हूं. Intrigued by Pellinor's quest, Arthur offered to take up the challenge for him, but Pellinore refused. Pellinore ने कहा कि मैं ही पकड़ूंगा, मैं ही हंट करूंगा. Arthur argued with him, but Pellinore stole his horse and rode off in search for the questing beast. अब इस बीस्ट की स्टोरी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. बीस्ट अचानक से स्टोरी में क्यों आ गया, क्योंकि इसका एक रेलेवेंस है. थॉमस मेलोरी, हैज द बीस्ट अपीयर टू द यंग किंग आर्थर आफ्टर ही हैज हैड एन अफेयर विद हिज हाफ सिस्टर मॉर्गौस एंड ही बिगॉटन मॉर्ड्रेड. मॉर्ड्रेड which they did not know at that point of time. They were related when the incestuous crime occurred. मॉर्ड्रेड के बारे में मर्लिन ने बाद में भविष्यवाणी की कि मॉर्ड्रेड विल बी द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ किंग आर्थर बिकॉज ही हैड अ रिलेशनशिप विद हिज सिस्टर मॉर्गौस. गॉड्स एंग्री हैं और मॉर्ड्रेड विल बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन. अब देखते हैं इस कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन और इस बीस्ट का क्या रिलेशनशिप है. मर्लिन रिवील्स दैट द बीस्ट हैड बीन बॉर्न ऑफ अ ह्यूमन विमेन. जिस बीस्ट को क्वेस्ट किया जा रहा था अभी, दैट बीस्ट हैज बीन बॉर्न ऑफ अ ह्यूमन विमेन, अ प्रिंसेस हु लस्टेड आफ्टर हर ओन ब्रदर. अपने ही ब्रदर को लिए लस्ट कर रही थी. शी स्लेप्ट विद अ डेविल हु हैड प्रॉमिस्ड टू मेक द बॉय लव हर. और एक डेविल को परस्यू किया उस प्रिंसेस ने कि किसी भी तरीके से मेरे ब्रदर को मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए परस्यू कर दो. बट द डेविल मैनिपुलेटेड हर इनटू एक्यूजिंग हर ब्रदर ऑफ रेप. डेविल ने उस प्रिंसेस को समझाया कि अपने ब्रदर को रेप एक्यूज कर दो. द फादर हैड द ब्रदर टर्न अपार्ट बाय डॉग्स एज पनिशमेंट. फादर को गुस्सा आया और ब्रदर को पनिशमेंट मिली. ऑल्दो ब्रदर वाज इनोसेंट, दैट द ब्रदर विल बी टर्न अपार्ट बाय डॉग्स. Before the brother died, he prophesied that his sister would give birth to an abomination, एक destruction को birth देंगी, that would make the same sounds as the pack of dogs that were about to kill him. तो अगर incestuous कुछ भी होगा, कोई crime होगा, तो कुछ ना कुछ destructive पैदा जरूर होगा. This beast and Mordred are the same kind of products. अब देख हैं कि मर्लिन जी क्या करें. काफी देर से मर्लिन जी नहीं आया पिक्चर में. मर्लिन इन द गाइज ऑफ अ यंग चाइल्ड टेल्स ऑर्थर दैट हिज फादर वाज उथर एंड हिज मदर वाज इग्रेन. ये तो पता चल चुका था किंग ऑर्थर को कि एक्टन इज नॉट हिज रियल फादर, लेकिन रियल फादर मदर हैं कौन, ये अब पता चल रहा है. एंड in the guise of an old man, he tells Arthur that he has conceived a child with his sister, half sister, and that the child will destroy his kingdom. ये है Arthur के child के बारे में prophecy. Merlin revealed that gods are very much displeased, angry with Arthur because he had slept with his sister Morgause, and that the child would destroy the kingdom. Startled, Arthur demanded to know the old man's identity, and so Merlin revealed himself. और इसके बाद मर्लिन ने खुद को रिवील किया और प्रोफेसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताया किंग ऑथर वापस आकर सर एक्टर से और यूल्फियस से अपने बर्थ के बारे में पूछते हैं एंड ही कम्स टू नो द ट्रूथ। ऑर्थर तभी चाहते हैं कि मेरी मदर को भी यहाँ पर बुलाया जाए। आई वॉन्ट मोर कन्फर्मेशन। Igraine arrived soon with her another daughter, Morgan le Fay, very beautiful women and another half sister to Arthur. King सबको welcome करते हैं अच्छे से। Arthur now suffered the great damage of having committed incest कि मुझसे ये incest कैसे हो गया। Finally he accepted the truth कि something in the past cannot be changed. Arthur fell into his mother's arms and they wept together. Arthur then called for a feast that lasted 8 days। तो ऑथर अपनी मदर से अपने बर्थ के बारे में सब कुछ पता कर पाते हैं। आफ्टर दैट एक रीयूनियन होता है इन विच मदर एंड सन बोथ क्राइड। ऑथर ट्राइज टू अवर्ट हिज फेट बाय ऑर्डरिंग टू गेट रिड ऑफ ऑल द मेड ए न्यूबॉर्न्स। मेड ए जिस पर मॉडरेट का भी बर्थ हुआ था। So soon afterward King Arthur ordered that all noble children born on May Day be sent to him. Many children were sent to him, including Mordred. They all were loaded onto a ship and put out to sea to die. It so happened that the ship crashed against the side of a castle, and all of the poor children perished, died, except Mordred, because Mordred के fate में नहीं था मरना। Mordred was saved, and he was raised by the man, and later by a man, and later brought to King Arthur's court when he was 14. In the meantime, lords and ladies who had lost their children were very angry, more so at Merlin पर भी angry थे than at Arthur, but they kept their peace। कुछ कर नहीं सकते थे। Arthur's attempted murder of his son sets events in motion which will one day prove fatal for not only the king but his kingdom। तो यहाँ पर एक तरीके की foreshadowing होती है और हमें as a reader पता चलता है कि अगर ये prophecy हुई है तो इसका कुछ मतलब है और फ्यूचर में वो डिस्ट्रक्शन होकर रहेगा जिसकी भविष्यवाणी मर्लिन ने की है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू कवर Book 7। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल कीप गेटिंग सिमिलर सॉर्ट ऑफ वीडियोज फॉर योर master's preparation in Delhi University. In case you want to join the classes for UGC NET and for MA English entrance preparation also, if anyone is watching this video during their UG, so they can go for MA English entrance preparation and UGC NET preparation with us. The link to get connected to us for admission has been given in description.